तो हम बृहस्पति की महादशा के बारे में बात कर रहे थे मेष लगन की कुंडली में जब भी बृहस्पति विभिन्न भाव में स्थित होते हैं ऐसे में बृहस्पति की महादशा आने पर आपको किस प्रकार के रिजल्ट मिल सकते हैं इस वीडियो में अब हम देखेंगे नवम भाव के लिए अगर आपका मेष लगन है और आपका बृहस्पति मेष लगन की कुंडली में नवम भाव में यानी खुद के ही घर में अगर स्थित हैं तो ऐसे में आपके लिए महादशा कैसी रह सकती है यहाँ बृहस्पति अपने मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में स्थित होंगे बृहस्पति आपके चार्ट में आपके बारहवें भाव के भी स्वामी बनते हैं यहां जो बृहस्पति हैं फुली कंफर्टेबल होंगे अपने मूल त्रिकोण राशि में भी होंगे इस वजह से यहां बृहस्पति अपनी महादशा के दौरान आपको सर्वोत्तम परिणाम देंगे बृहस्पति की स्थिति सबसे ज्यादा आपको लकी बनाएगी आपका लगभग प्रत्येक कार्य बनेगा लेकिन बृहस्पति की दशा वैसे ही रहती ज्यादातर मोस्टली बृहस्पति का जो फोकस है ज्ञान पर रहता है इसलिए आपको एजुकेशन ग्रहण करने में ज्ञान ग्रहण करने में आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करने में या धार्मिक ज्ञान या धार्मिक कार्यों को करने में बृहस्पति काफी मदद करेंगे इसके अलावा बृहस्पति की महादशा के दौरान आपका जो आचरण है उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा आपकी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मकता आएगी यहाँ पे अब क्योंकि अपने खुद के घर में और मूल त्रिकोण राशि में बृहस्पति स्थित हैं इसलिए इनके रिजल्ट्स में उतना ज़्यादा डिले नहीं होगा यहाँ बृहस्पति अब वक्री स्थिति में नहीं होने चाहिए यह आपको चेक कर लेना बृहस्पति की ये स्थिति वास्तव में आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ देगी बृहस्पति की स्थिति आपको ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक बनाएगी महादशा के दौरान आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे हालांकि आपको ये ज़रूर चेक कर लेना कि बृहस्पति पर केतु का प्रभाव राहु का प्रभाव या शनि का प्रभाव है या नहीं है या किसी भी अन्य ग्रह का अगर प्रभाव है तो वो आपको चेक कर लेना है बृहस्पति की यह स्थिति एक बहुत ही सर्वोत्तम स्थिति सबसे बेस्ट स्थिति है आपके चार्ट में इसलिए बृहस्पति की इस दशा के दौरान जो भी रिजल्ट होंगे ज़्यादातर आपके फेवर में होंगे इसलिए बृहस्पति आपको चाहे किसी भी एज में ये दशा आ रही हो सर्वोत्तम परिणाम देंगे बृहस्पति यहाँ आपका लगभग हर काम संभव बनाएंगे यहाँ पे बृहस्पति आपको पर्याप्त रूप से एफर्ट करने के लिए भी प्रेरित करेंगे और सबसे मेन है आपका ज्ञान आपकी बुद्धि आपका विवेक या आपका कौशल जिसके माध्यम से आप प्रत्येक कार्य को सफल बना सकते हैं तो बृहस्पति आपकी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल को बढ़ाएंगे क्योंकि जितना ज़्यादा आपका ज्ञान बढ़ेगा आपकी समझ बढ़ेगी जितना ज़्यादा आपका विवेक बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा किसी भी काम को करने की समझ आप में डेवलप होगी इस प्रकार का बृहस्पति आपके जीवन में बहुत सारी छोटी यात्राएं और बड़ी यात्राओं को लेकर आएगा लंबी दूरी की यात्राओं को जिसके माध्यम से आपको काफ़ी फायदा होगा बृहस्पति की महादशा के दौरान आप अपना समय कभी भी व्यर्थ नहीं करेंगे जितनी भी लंबी दूरी की और छोटी दूरी की आप यात्राएं करेंगे उनके द्वारा या तो आप बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित करेंगे या आप मान सम्मान अर्जित करेंगे सबसे मेन बात यहाँ पे क्योंकि बृहस्पति आपके लगन को भी दृष्टि डाल रहे होते हैं इसलिए निश्चित रूप से ऐसा बृहस्पति आपके आचरण को बहुत ज्यादा अच्छा बनाता है अब ये नवम भाव है नवम भाव होने की वजह से आपका अपनी कंट्री में कोई बहुत लंबी दूरी की यात्रा कोई आध्यात्मिक यात्रा कोई धार्मिक यात्रा या किसी भी प्रकार के धार्मिक या आध्यात्मिक आयोजन में आप शरीक हो सकते हैं तो बृहस्पति यहाँ पर अपनी महादशा के दौरान आपको पर्याप्त आशीर्वाद देंगे सबसे प्रमुख है आपके लिए ज्ञान रूपी आशीर्वाद और सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी आपको इसी बात की है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ना कुछ सीखने ज्ञान ग्रहण करने पर फोकस करना चाहिए इसके अलावा बृहस्पति की महादशा के दौरान आप अपनी समझ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं अपने विवेक को बढ़ाएं अपनी बुद्धिमता को बढ़ाएं अगर बृहस्पति के साथ बुद्ध का संबंध है आपके चार्ट में तो ये दशा आपके लिए और भी ज़्यादा फेवरेबल होगी अब देखिए बृहस्पति की जो महादशा है बृहस्पति की महादशा में अब उन उन भावों पर भी हम बात करेंगे जिन्ह पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है आपके चार्ट में सबसे पहले बृहस्पति आपके लगन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं लगन को एक्सपेक्ट करने की वजह से बृहस्पति सबसे ज्यादा परिवर्तन अब आपकी पर्सनैलिटी में और आपके आचरण में लाएंगे आपका आचरण किसी भी विचारधारा के प्रति बहुत ही ज़्यादा साफ रवैया रखने वाला हो सकता है आप कोई भी धार्मिक या कोई भी आध्यात्मिक विचार पर पूर्णतया फोकस कर सकेंगे और बहुत ही अच्छे से अपने विचार उस पर्टिकुलर विचारधारा के बारे में व्यक्त कर सकेंगे इसके अलावा बृहस्पति का लगन पर दृष्टि है तो बृहस्पति आपको कुछ ना कुछ नया सीखने जानने में मदद करेंगे और ऐसा बृहस्पति आपको काफी ज्यादा जिज्ञासु बनाता है आप किसी भी प्रकार का आध्यात्मिक कार्य धार्मिक कार्य करेंगे कोई पूजा पाठ करेंगे उससे आपको फल बहुत जल्दी मिलेंगे अब आपको हालांकि अपने लग्नेश को भी देख लेना है क्या लग्नेश का संबंध बृहस्पति के साथ है अगर बृहस्पति के साथ आपके लग्नेश यानी मंगल का संबंध अगर बन रहा है तो आपके जीवन में और भी ज्यादा सकारात्मकता बृहस्पति लेकर आएंगे इसके अलावा बृहस्पति का प्रभाव आपकी पर्सनैलिटी पर और भी अधिक पड़ेगा और आपके पर्सनलिटी आपके खुद की जो क्षमताएं हैं उनकी वजह से आपको नेम फेम मिलेगा बृहस्पति की ये दशा के दौरान वास्तव में आप विदेश यात्रा करें विदेश में सेटल हो सकते हैं आप अपनी उच्च शिक्षा या अपने किसी आध्यात्मिक कार्य के लिए लंबी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं मोस्टली जो भी आप काम करेंगे आप उसमें पर्पज अपना ज्ञान प्राप्ति ही रखिएगा यहाँ पर बृहस्पति वास्तव में आपको किसी भी पर्टिकुलर धर्म विशेष किसी भी विचारधारा विशेष का ज्ञान प्रदान करने और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए प्रेरित करेगा तो बृहस्पति की महादशा के दौरान आप एक बहुत ही अच्छे शिक्षक बन सकते हैं एक अच्छे धर्म प्रचारक बन सकते हैं कोई भी आध्यात्मिक रूप से प्रसिद्ध पर्सनैलिटी बन सकते हैं इसके साथ साथ जो कुछ भी आप करेंगे वो आप अपने जीवन में हमेशा हमेशा के लिए होल्ड करके रख सकेंगे चाहे आप ज्ञान प्राप्त करें चाहे कोई भी वस्तु प्राप्त करें बृहस्पति की महादशा में आपकी क्षमताओं का बहुत ज्यादा विकास होगा बृहस्पति की दृष्टि आपके थर्ड हाउस पर भी रहती है थर्ड हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि होने से आपका अपने भाई बहनों के साथ रिलेटिव्स के साथ बहुत अच्छा संबंध रहेगा लेकिन मोस्टली ऐसा बृहस्पति आपको अपने घर परिवार से दूर रख सकता है विदेश में सेटल करा सकता है या किसी भी दूसरे राज्य में आपको सेटल करा सकता है ऐसा बृहस्पति आपको कोई ना कोई धार्मिक स्थल या कोई ना कोई आध्यात्मिक रूप से बहुत फेमस स्थल के आसपास सेटल करेगा या ज्यादातर आप उनके आसपास घूमते फिरते रहेंगे तो इस दशा में जितनी भी सारी आपकी यात्राएं होंगी जो भी आपके टूर होंगे ट्रेवल होंगे उसमें आप ज्यादातर यही काम करते हुए नजर आएंगे इसके अलावा आपको अपने गुरुजनों का बहुत अच्छा आशीर्वाद मिलेगा बृहस्पति की दशा के दौरान आप ये कोशिश करें कि आपके परिवार में जो भी बुज़ुर्ग लोग हैं जो भी आपके जो परदादा वगैरह दादा वगैरह उनका आशीर्वाद अवश्य लें और कोई भी आपके परिवार में बुज़ुर्ग लोग हैं उनका आशीर्वाद अगर आप लेंगे तो बृहस्पति की महादशा में आपका लक्ष्य ज़्यादा से ज़्यादा साथ देगा इसके अलावा आपको बुज़ुर्ग लोगों के साथ रहना या जो बहुत ही मेच्योर लोग हैं उनके साथ रहना बहुत ही एजुकेटेड लोग आध्यात्मिक लोग या धार्मिक लोग जो हैं, उनके साथ ज्यादा आपकी कहीं ना कहीं थिंकिंग मैच करेगी और उनके साथ आप रहना पसंद करेंगे इसके अलावा आप जो साधु संत लोग हैं जो बहुत ही वैराग्य की तरफ जा चुके हैं जो ग्रस्त आश्रम को छोड़ चुके हैं कुछ हद तक आपका कॉन्टेक्ट उन लोगों के साथ भी होने की बहुत हद तक संभावना है इसके अलावा बृहस्पति की महादशा के दौरान आप जो भी जब तप करेंगे कोई भी पूजा पाठ करेंगे किसी भी प्रकार की साधना करेंगे उन सब का रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा अब दूसरा सबसे बड़ा यहाँ पर बृहस्पति जो आपको प्रोवाइड करते हैं आपको एक अंतर्ज्ञान प्रोवाइड करते हैं आपको ऐसी अनुभूति होगी जैसे आपके मन में अंदर ही अंदर अपने आप ही ज्ञान उपज रहा है तो ये जो अंतर्ज्ञान की जो अनुभूति है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष है क्योंकि आपके जीवन में कोई भी ऐसी स्थिति विशेष कोई परिस्थिति बन रही है जिसका अंतर्ज्ञान आपको पहले ही हो जाएगा या कभी कभी आपका जो सिक्स सेंस है वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है बृहस्पति की महादशा के दौरान अब क्योंकि बृहस्पति बारहवें भाव के स्वामी है भाव के स्वामी होने की वजह से इस बात की नॉलेज है, 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 है उसकी वजह से दूसरे लोग भी काफी ज्यादा लाभान्वित होंगे क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर आपके तीसरे भाव को काफी ज्यादा मजबूत करेंगे आपके कम्युनिकेशन को मजबूत करेंगे तो जो भी अनुभव जो भी ज्ञान आप बृहस्पति की महादशा के दौरान अचीव करे हो वो आप दूसरों के साथ शेयर करना भी उतना ही ज्यादा पसंद करेंगे हाँ यहाँ पर यह बात जरूर है कि बृहस्पति आपको थोड़ा सा सीधापन देते हैं थोड़ा सा आपकी लाइफ को स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाते हैं तो दूसरों के लिए आपको समझना आसान रहेगा दूसरों के लिए कहीं ना कहीं आपकी जो प्रवृत्ति है आपका जो व्यवहार है उसको समझना आसान होगा जिससे आपका बेहतर कोऑर्डिनेशन बन सकेगा लोगों के साथ इसके अलावा आपको विदेशों से पर्याप्त रूप से बृहस्पति फायदा करवाएंगे बृहस्पति का उसके बाद दृष्टि रहता है आपके फिफ्थ हाउस पे फिफ्थ हाउस में बृहस्पति का दृष्टि आपकी संतान के लिए बहुत ही ज्यादा लक लेकर आएगा अगर बृहस्पति की महादशा के दौरान आपको संतान प्राप्ति होती है तो ऐसे में वो संतान आपके लिए बहुत ही ज्यादा लकी साबित होगी ऐसा बृहस्पति आपकी समझ को बढ़ाने का प्रयास करता है आपकी सोच को बदलने का प्रयास करता है और जीवन में चाहे किसी भी प्रकार का टारगेट आप लेके चल रहे हैं उसके प्रति आपका रवैया जो रहेगा आपकी जो सोच रहेगी वो ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक रहेगी तो यही जो बृहस्पति है वो आपको वास्तव में देने का करते हैं आपके लाइफ में वो ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिविटी को लेकर आते हैं सकारात्मकता को लेकर आते हैं जिसकी वजह से आपका हर काम पॉसिबल हो सके तो ज्यादातर अब यही संभावना बनेगी बृहस्पति की महादशा के दौरान कि आप अपना प्रत्येक कार्य संभव होते हुए देख पाएंगे बृहस्पति की इस दशा में आप जितना ज्यादा खुद के ऊपर बिलीव करेंगे खुद के ऊपर ट्रस्ट करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा आप खुद की क्षमताओं पे जितना बिलीव करेंगे आपने जो कुछ भी अनुभव किया है या जो भी ज्ञान आपने हासिल किया है उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा हाँ कभी कभी ऐसा बृहस्पति आपको अपने ज्ञान की वजह से थोड़ा बहुत घमंडी बना सकता है थोड़ा सा व्यवहार में इगोइस्टिक बना सकता है उसका आप जरूर ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अब ये बहुत जरूरी है कि हर किसी के साथ आप बहुत अच्छे से पेश आए हर किसी को आप सपोर्ट करके चलें हर किसी की तारीफ़ करके चलें और किसी के साथ भी बैर भाव ना रखें विवादों में ना आए बृहस्पति अगर राहु जैसे ग्रह से प्रभावित है यहाँ पर तो आप कोई भी धर्म के खिलाफ या कोई आध्यात्मिक विचारधारा के खिलाफ बहुत ज़्यादा ऐसे गलत बयानबाजी भी कर सकते हैं कभी कभी पर यहाँ बृहस्पति क्योंकि अपने घर में है और मूल त्रिकोण राशि में है तो यहाँ बृहस्पति काफ़ी मजबूत होंगे पर अगर बृहस्पति वक्री हो जाते हैं और तब अगर आपको महादशा आती है तो आपको ये दिक्कतें आ सकते हैं अब यहाँ पे सबसे बड़ा रोल रहेगा बृहस्पति का जो महादशा आपको कौन सी एज में स्टार्ट हो रहा है एज का बहुत बड़ा यहाँ पे फैक्टर आ जाता है मान लीजिए कोई ऐसा जातक है जिसको यह दशा पाँच से दस साल के आयु में या पंद्रह साल की आयु में स्टार्ट होती हो ऐसे जातकों के वास्तव में शुरुआत में उनको पारिवारिक जो परवरिश है जो माहौल है कुछ ऐसा ही मिलेगा जो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक वातावरण में या धार्मिक वातावरण में पले बढ़े हैं जहाँ पर परिवार ने उनको एक स्पेशल धार्मिक प्रवृत्ति प्रोवाइड कर रही है या धार्मिक शिक्षा प्रोवाइड करी है इसमें आपके माता पिता का रोल बहुत ज़्यादा अहम रहने वाला है हाँ यहाँ पर अब बृहस्पति है तो निश्चित रूप से आपको पिता से काफी ज्यादा फायदा होगा हालांकि कुछ मामलों को लेकर जरूर पिता के साथ मतभेद हो सकते हैं क्योंकि बृहस्पति हैं वो गुरु माने जाते हैं इसलिए पिता के साथ थोड़ा बहुत मतभेद करवा सकते हैं यहाँ पे पर बृहस्पति की दशा अगर आपको शुरुआती एज में आती है तो ये आपके करियर को निर्माण के लिए या फिर आपकी पूरी लाइफ को अगर आप देखें एक तरीके से या एक दृष्टि से तो पूरी लाइफ पर ही असर डालेगी ऐसे में आप शुरुआत से ही छोटी आयु से ही बहुत ज़्यादा मेच्योर नज़र आ सकते हैं आपकी जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति है धार्मिक प्रवृत्ति है बहुत ही ज़्यादा आप मेच्योरिटी रखेंगे इसके अलावा आप हमेशा भगवान में विश्वास करने वाले होंगे बृहस्पति की महादशा अगर आप लोगों को 25 साल या 30 साल की आयु में स्टार्ट होती है तो ये आपके करियर में बहुत ही बड़ा योगदान करेगी इस समय हो सकता है कि आपकी विदेश यात्रा हो आप अपनी स्टडी पर्पज़ के लिए विदेश में सेटल हो सकते हैं या आप कोई धार्मिक या आध्यात्मिक प्रकार का भी कोई अपना काम चुन सकते हैं या आप ऐसा भी कोई प्रोफेशन में जा सकते हैं मोस्टली ऐसा बृहस्पति आपको बहुत ही उच्च लेवल का शिक्षक बनाएगा आपको एक अच्छा एडवोकेट बनाएगा ज़्यादातर यहाँ पर आपके शिक्षक बनने के चांसेस रहेंगे मोस्टली ज़्यादातर कुंडलियों में हालांकि फिर आपको अपना ओवरऑल चार्ट चेक करना पड़ेगा बृहस्पति लॉ के फील्ड के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होता है इसके अलावा बृहस्पति आपको वास्तव में इतनी अधिक समझ और इतनी ज़्यादा सकारात्मक सोच देते हैं कि फिर भी आप चाहे किसी भी फील्ड में काम करें वहाँ पर बस अगर आप अपना ज्ञान बेहतर तरीके से यूज़ कर लेंगे अपनी क्षमताओं को अगर अच्छे तरीके से यूज़ कर लेंगे तो आपके लिए कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पर आप काम नहीं कर सकते तो बृहस्पति का यही सबसे मेन जो उद्देश्य है आपकी लाइफ में रहता है अब बृहस्पति की महादशा अगर आपको 25 से तीस साल के आयु में स्टार्ट होती है तो ये आप में ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल डेवलप करेगी आपको सही रास्ता सुझाएंगे बृहस्पति बृहस्पति आपको एक ऐसी प्रवृत्ति देंगे जहां पर हर कुछ आप जो जीवन में सोच रहे हैं समझ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सकारात्मक है अगर आपके सामने कोई भी प्रकार की ऐसी परिस्थिति आ रही है जहां पर सामान्य लोग पीछे हट जाते हैं या मुकाबला नहीं कर सकते यानी किसी भी प्रकार की छोटी से छोटी समस्या भी उनको अपने मार्ग से हिला देती है बल्कि आपके लिए वो एक बहुत अच्छा मोटिवेशन होगी तो यहाँ पे अब अपनी सकारात्मक सोच की वजह से ही आप ज़्यादा आगे जा सकेंगे बृहस्पति की महादशा मान लीजिए किसी व्यक्ति को फोर्टी फाइव की एज में या फिफ्टी की एज में स्टार्ट होती है तो ये समय में अब आपके लिए बृहस्पति ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक या धार्मिक प्रगति या उन्नति लेकर आएंगे आपके लाइफ में ये समय आपके लिए ज़्यादातर पूजा पाठ करने आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करने धार्मिक कार्य करने का रहेगा साथ साथ में आप अपने समाज के लिए अपने देश के लिए या अपने जो भी जहाँ भी आप रहते हैं लोकल लोगों के लिए कोई सामाजिक कल्याण से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं तो हमेशा ही आप दूसरों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्टिव नजर आ सकते हैं तो बृहस्पति की महादशा इसी प्रकार से आपकी लाइफ में बहुत मेजर रोल प्ले करेगी अब आपके चार्ट में आप ये देखें कि बृहस्पति जो है आपके थर्ड हाउस में कोई ग्रह स्थित है तो उनका प्रभाव बृहस्पति पर पड़ेगा क्या बृहस्पति के साथ कोई अन्य ग्रह स्थित है या नहीं है तो उन ग्रहों का प्रभाव भी बृहस्पति के रिजल्ट्स पर जरूर पड़ेगा तो आपको ये सब कुछ एनालाइज जरूर कर लेना चाहिए